रेखा, क्या बात है बेटी? आज बहुत देर से लौटी। कम ऑन माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि जब कॉलेज में प्रैक्टिकल्स की क्लासेस हो तो देर हो ही जाती है। डर भी तो लगा रहता है। इस शहर में पिछले महीनों इतने कत्ल हुए हैं और कातिल है कि पुलिस के हाथ ही नहीं आता। माँ, तुम तो पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ धो के पीछे पड़ गई हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, जब से पुलिस इंस्पेक्टर से तेरी सगाई हुई है सारे डिपार्टमेंट को अपना ही समझने लगी है। अच्छा चल चल, खाना तैयार है। माँ तुम खाना लगाओ, मैं अभी चेंज करके आती। अच्छा। सकता है ये फूल देखकर तो लगता है शायद वही होगा, रंजीत। रंजीत? कौन रंजीत है? मायक, जो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है, कहता है मुझे बहुत चाहता है और हर बार इसी तरह गुलाब का फूल देकर चला जाता है। मगर वो तुम्हारा ही पीछा क्यों करता है? ऐसे ही माँ, मैंने चंद शब्द उससे हमदर्दी के क्या कहे, वो उसे प्यार समझ बैठा और बस दीवानों की तरह पीछा करने लगा। कुछ लोग हमदर्दी के काबिल नहीं होते बेटी, तू राकेश को इसकी खबर कर, वो 4 दिन उसे जेल में रखेगा, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। इसकी नौबत ही नहीं आएगी माँ, क्योंकि वो तो पहले से ही आधा पागल है। माँ,
बैठो भैया प्लीज। ओहो, तुम मानने वाली थोड़ी हो। ये रही चाय। गरम तो है ना? हाँ। अब इससे पहले कि मेरी सहेली और आपकी होने वाली बीवी हाथों में किताब लेकर आ जाए, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। हेलो, जी हाँ इंस्पेक्टर राकेश चोपड़ा। फिर से कतल? मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। ओके कामना, मैं आज तुम लोगों को कॉलेज नहीं छोड़ पाऊंगा। तुम दोनों खुद ही चली जाना। ओके। हाय कामना। हाय रेखा। तेरे भैया तैयार हैं या रोज की तरह फिर मिन्नतें करनी पड़ेंगी? अरे नहीं, आज तो तैयार हैं, लेकिन हमारे किस काम के? आज तो वो हमें कॉलेज छोड़ेंगे ही नहीं। अरे तेरे भैया की तो ऐसी की तैसी, एक बार मुस्कुरा दू ना, फिर देखती हूँ कैसे नहीं छोड़ेंगे। आई एम सॉरी स्वीराट, पुलिस वाले जब ड्यूटी पर होते हैं ना तो किसी मुस्कुराहट का शिकार नहीं होते। मामला कत्ल का है, मुझे जल्दी पहुंचना है। सी यू लेटर। देखो, शादी से पहले जनाब के ये हाल है, तो शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। अरे ये तो तेरे हाथ में है, पहले ही दिन बिल्ली मार देना, फिर सारी जिंदगी चूं भी कर जाए तो मेरा नाम बदल देना। नाम तो बेशक हमारा भी बदल देना, शादी के बाद तुम्हारी बोलती बंद नहीं करवाई तो कहना। मेरे डैडी से सगाई की बात तो कर न सके और पहुँच गए शादी तक। अरे तुम्हारे डैडी कैसे तैसे यार, चलो अभी चले, अभी चले तुम्हारे डैडी सगाई की बात करने। फिलहाल तो तुम मुझे कॉलेज तक पहुँचा दो तो बहुत है। हाय रेखा, क्या आज इंस्पेक्टर साहब तुम्हें छोड़ने नहीं आए? अरे अगर इसके भैया छोड़ने नहीं आएंगे मुझे कॉलेज, तो क्या मैं कॉलेज नहीं पहुंचूंगी? खैर छोड़ो ये सब बातें, सुनो 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 आज की ताजा खबर जो अभी तक अखबारों में नहीं छपी। कल रात भी कातिल कत्ल करने में सफल रहा। तो इस बात को इतनी शेखी से नहीं, नजरें झुकाकर कहो, क्योंकि तुम्हारे भाई और उनकी डिपार्टमेंट की लापरवाही एक बार फिर किसी बेगुनाह की मौत का कारण बन गई है। अरे भाई, इसमें इनके भैया का कसूर ही क्या है? उस बेचारे ने थोड़ा ही किसी का कत्ल किया है। कत्ल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कातिल को पकड़ भी नहीं रहे, जो उनका फर्ज है। वैसे काम ना, तुम्हारे भैया और उनका स्टाफ ड्यूटी पर कहीं सोए तो नहीं रहते ना? अरे मेरे भैया अपनी ड्यूटी के सामने किसी की परवाह नहीं करते, ना अपनी बहन की ना अपनी होने वाली बीवी की। लो सुन लो रेखा, जब वर्तमान ऐसा है तो फिर भविष्य कैसा होगा? मैं तो कहता हूँ ये पुलिस वाले किसी काम के नहीं, कोई और अच्छा सा लड़का देख लो। हाँ वैसे हम भी तो बुरे नहीं है। हेलो एवरीबॉडी। हाय एवरीबॉडी। क्या भाई, क्लास का टाइम हो गया और तुम लोग यहीं खड़े हो, गुडली मारने का रहता है क्या? लो बेल भी बज गई, चलो एवरीबॉडी गो टू योर क्लासेस। हाँ चलो चलो, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर आज। रेखा रेखा। ओह सॉरी कामना, आई एम रियली सॉरी। अब कम ऑन अमृत, पूरे कॉलेज में तुम ही तो ऐसे हैंडसम लड़के हो जिससे बार बार टकराने को जी चाहता है। कामना कितनी बार समझा चुका हूँ कि प्लीज बार बार ऐसी बातें मत किया करो। और मैं भी तो तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि प्लीज कभी तो मुझसे ऐसी बातें कर लिया करो। तुम नहीं सुधरोगे, चलो घंटी बज चुकी है। यहाँ तो कब की घंटी बज चुकी है। तुम, हे भगवान, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? जब तुम मेरा प्यार कबूल कर लोगे। देखो रंजीत, अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं, तो मजबूरन मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। पुलिस, मिलिट्री बुलवा लो, तब भी नहीं छोड़ूंगा, तब भी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये नहीं कहते कि तुम मुझे चाहते हो। इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या कमी है मुझ में? यही ना कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हें प्यार करता हूं। देखा, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिलता तो हर उस लड़की में मुझे तुम्हारी सूरत दिखाई देती है जो किसी से प्यार करती है, और मैं उन दोनों को तुम नहीं जानती। देखा कि मुझे ठुकरा कर तुम कितने चाहने वालों पर जुल्म कर रही हो। हाँ रंजीत, क्या तुम मुझे इतना चाहते हो? हाँ,
तभी तो मार डालता हूं सब मोहब्बत करने वालों को। मुझे नफरत मिली तो किसी और को मोहब्बत करने नहीं दूंगा। रंजीत, तुमने तो मुझे डबल माइंडेड कर दिया है। एक तरफ मैं जिसे चाहती हूँ उसे तो मुझसे ज्यादा अपनी ड्यूटी से लगाव है, और दूसरी तरफ जिसे मैं नफरत करती हूँ वही मुझसे। रंजीत, क्या तुम मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दोगे? जितना चाहे सोच लो, मगर फैसला करने से पहले इतना याद रखना कि तुम्हें हाँ ही करनी है, वरना तमाम मोहब्बत करने वालों को खत्म कर दूंगा और डालूंगा सबको। हाँ, मोहब्बत की इस इंतहा को तो कोई बदनसीब लड़की ही ठुकरा सकती है। ठीक है रंजीत, मैं तुम्हें शाम को 7 बजे मॉडल टाउन कॉर्नर पर मिलूंगी। मैं अपना जवाब तुम्हें वहीं सुनाऊंगी। हाँ, मैं 7 बजे से पहले आ जाऊंगा, लेकिन देखो तुम आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, तुम्हें आना ही था, और तुम्हारा आना इस बात का सबूत है कि तुम्हारा फैसला हाँ ही है ना? रेखा, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या दे दिया है। ये जमीन, ये आसमान, ये जन्नत, सारी कायनात तुमने मेरे कदमों में बिछा दी। रेखा, मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया, और आज के बाद रंजीत किसी प्यार करने वाले का कत्ल नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये क्या? Come on, hurry up! भागने की कोशिश मत करो रंजीत, you are under arrest. पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। ये तुमने क्या किया? ले जाओ उसे, ले जाओ। अच्छा, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अच्छा, अगर तुम मुझे पुलिस के हवाले कर देती तो तुम्हारे प्यार की कसम मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। Shut up! I say shut up! You shut up, you bastard! ले जाओ इसे, मैं कह रहा हूं ले जाओ। रेखा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जिंदा। रेखा, इस विश्वासघात के लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जिंदा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो किसी को नहीं मार सकेगा। मैंने उसके खिलाफ ऐसा केस तैयार किया है कि उसे सजाए मौत मिलकर ही रहेगी। लेकिन पापा, उसने भी तो कोई वकील किया होगा ना? डिफेंस लॉयर तो होगा ही, बट आई डोंट थिंक वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो कातिल ना सिर्फ कानून की नजर में बल्कि आम जनता की नजर में भी काफी खतरनाक मुजरिम है। जज साहब, इस खतरनाक मुजरिम को फांसी की सजा दीजिए। ऑर्डर इन द कोर्ट रूम प्लीज। इस किस्म का डिसऑर्डरली बिहेवियर अदालत के आदाब के खिलाफ है। अगर आइंदा आप लोगों ने ऐसा किया तो अदालत से बाहर कर दिया जाएगा। प्लीज प्रोसीड मिस्टर पालकीवाला। थैंक यू योर ऑनर। मेरा मुवक्किल काबिले नफरत नहीं है योर ऑनर, बल्कि काबिले रहम है, काबिले तर्स है। इसने जो कुछ भी किया है किसी सोची समझी साजिश के तहत नहीं किया योर ऑनर, बल्कि दिमागी बीमारी की हालत में किया है। ही इज अ साइकिक किलर योर ऑनर एंड नॉट अ कोल्ड ब्लडेड किलर। योर ऑनर, मेरी समझ में तो यह बात आती नहीं है कि खाली कह देने भर से कोई कातिल मरीज कैसे बन सकता है। उसके लिए सबूत चाहिए योर ऑनर, जो यह साबित कर सके कि यह दिमागी मरीज था या है। मेरा सबसे बड़ा सबूत योर ऑनर वही लड़की मिस रेखा है, जिसने इस मुलजिम को पकड़वा कर समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं मिस रेखा से चंद सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। मिस रेखा, आप कटघरे में खड़े इस इंसान को जानती हैं? जी हां,
ये रंजीत है। आप रंजीत को कब से जानती हैं और कैसे जानती हैं? जी कुछ पिछले महीनों से ये मेरा साये की तरह पीछा करता रहा है। क्यों? इसका कहना है कि ये मुझे चाहता है जबकि मैं इससे प्यार नहीं करती। मुलजिम रंजीत, अभी अभी रेखा ने कहा कि तुम इसका पीछा करते थे, क्या यह सच है? हाँ यह सच है, मैं इसका पीछा किया करता था। क्यों? क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूं, चाहता हूं मैं इसको। दुनिया में मुझे सबसे नफरत मिली, सिर्फ इसी ने मुझे हमदर्दी दी, और तब से मैं इससे प्यार करता हूं। इसका पीछा करते हुए मैं इसके घर तक जाया करता था। इसके घर के पिछवाड़े जो पाइप है ना, उस पर चढ़कर मैं इसकी बेडरूम की खिड़की तक जाया करता था इसे देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए। इस लड़की का पीछा करना, एक तरफा इश्क करना, खिड़की पर चढ़कर इसकी एक झलक देखना, यह सब चीजें एक ही बात साबित करती हैं योर ऑनर, कि रंजीत बिल्कुल वैसा ही सरछाप आशिक है जैसे आशिक आज हर शहर के गली और कूचे में पाए जाते हैं। लेकिन वो सबके सब इसकी तरह कातिल तो नहीं बन जाते? क्योंकि वो सबके सब दिमागी मरीज नहीं होता योर ऑनर, रंजीत दिमागी मरीज है, और यही मैं साबित करना चाहता हूं योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलोर्ड। मिस रेखा, आपको कैसे पता चला कि रंजीत एक कातिल है? जी ये बात रंजीत ने मुझे खुद बताई थी, क्योंकि जब भी मैं इसे ठुकरा देती हूँ, इसे हर प्यार करने वाले में मेरी शक्ल दिखाई देती है, और फिर ये उस लड़की को और इसके चाहने वाले को दोनों को ही जान से मार डालता है। मिलोर्ड, दिस पॉइंट में काइंडली बी नोटेड। रंजीत का अरेस्ट होने से पहले मिस रेखा के सामने यह कबूल करना कि उसने कत्ल किए हैं, जहां एक तरफ रंजीत को कातिल साबित करता है, वहां दूसरी तरफ यह भी साबित करता है कि उसने कत्ल क्यों किए हैं। इन कत्लों के पीछे ना तो कोई डकैती थी मिलोर्ड, और ना ही बदले की भावना, और ना ही मरने वालों के साथ रंजीत की कोई जाति दुश्मनी थी। फिर भी रंजीत ने सारे कत्ल किए तो क्यों किए योर ऑनर? उसकी वजह है रंजीत के दिल में मोहब्बत का जुनून, और इस तरह किसी भी जुनून का शिकार होकर कोई भी कत्ल करता है तो उसे दिमागी मरीज नहीं कहा जा सकता योर ऑनर, तो और क्या कहा जा सकता है? क्यों मेरे को, आप जा सकते हैं। हाँ तो मिस्टर रंजीत, क्या तुम यह बात तस्लीम करते हो कि तुमने बेगुनाह लोगों के कत्ल किए हैं? वो बेगुनाह नहीं थे, गुनाह किया था उन्होंने, मोहब्बत करने का गुनाह, और मैंने उन्हें उस बात की सजा दी। लेकिन मोहब्बत करना तो कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है, मुझे नफरत मिली है तो सारी दुनिया के लिए मोहब्बत गुनाह है। आशिक, एक बात बताओ रंजीत, अगर तुम पे तरस खाकर तुम्हें रिहा कर दिया जाए तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? सबसे पहले, हाँ सबसे पहले मैं इसे मार डालूंगा, और इसके बाद मैं अपने आप को मार डालूंगा, क्योंकि इसके बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। बस योर ऑनर, बस रेखा के दिए हुए बयानात और मेरे मुवक्किल की बेवकूफी भरी बातें अदालत के सामने उस खुली किताब की तरह है योर ऑनर, जिसका हर लफ्ज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मेरा मुवक्किल कातिल नहीं है योर ऑनर, बल्कि एक दिमागी मरीज है, और इंसाफ के इस मंदिर में खड़ा हुआ यह मरीज उस सजा का हकदार नहीं है, बल्कि उस हक का हकदार है जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन हर मरीज को देती आई है और देती रहेगी। That is all, Your Honor. Thank you. अदालत में हुई बहस और मुलजिम रंजीत कुमार के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि मुलजिम रंजीत कुमार पहले भी दिमागी मरीज था और अब भी दिमागी मरीज है, लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि मुलजिम रंजीत कुमार को बगैर इलाज मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए। थैंक यू योर ऑनर। चलो ले जाओ इसे। देख लिया मेरे भैया और उनके डिपार्टमेंट का कमाल, आखिर उन्होंने कातिल को पकड़ ही लिया ना। क्यों राजू डियर, उस दिन तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे,
आज बोलती बंद की हो गई। वैसे भी पकड़ भी लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? क्या सजा मिली उसे पागल खाना? पुलिस के जरा भी मजबूत होता तो फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो हो ही जाती। वैसे देखा जाए तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की जीत नहीं, हार है हार। कातिल का पकड़ा जाना सारे शहर के लिए खुशी की बात है और इस खुशी को सेलिब्रेट करना हर नागरिक का फर्ज है। तो हमारा हंगामा ग्रुप इस मामले में क्या कहता है? आज तो वैसे भी सैटरडे नाइट है, क्यों ना हम सब मिलके एक जोरदार हंगामा करें? क्यों? ठीक है तो हम सब मिलकर आज रात को कैंपफायर पर चलते हैं, और वैसे भी हमारे पेरेंट्स हमें इजाजत भी दे देंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि जिससे हमारे पेरेंट्स को खतरा था वो खतरा तो पागल खाने में बंद है। मैंने इससे हमदर्दी क्या की, ये इसे प्यार समझ बैठा। आई हेट हिम, ये कातिल है, खूनी है, मैं इससे प्यार नहीं करती। आई हेट हिम, मैं इससे नफरत करती हूँ, ये कातिल है, खूनी है, मैं इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आई हेट हिम, आई हेट हिम, मैं इससे प्यार नहीं करती। ये खूनी है, पागल है, कातिल है, मैं इससे प्यार नहीं करती। आई हेट हिम, मैं इससे नफरत करती हूँ, मैं इससे नफरत करती हूँ, मैं इससे नफरत करती हूँ। आई हेट हिम। What? रंजीत पागल खाने से फरार हो गए? मगर कैसे? आपके सिक्योरिटी गार्ड्स क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे? और आप क्या आप खुद ये नहीं जानते कि रंजीत का इस तरह से पागल खाने से फरार हो जाना कई बेगुनाहों की मौत का कारण बन सकता है? इट्स ऑल राइट डॉक्टर, हमारी पुलिस फोर्स को क्या करना है और क्या नहीं करना ये हम आपसे बेहतर जानते हैं। इंस्पेक्टर। यस सर। रंजीत पागल खाने से फरार हो गया है, यकीनन उसका पहला शिकार होगी रेखा, इसलिए मैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ रेखा के घर जा रहा हूं। आप शहर के हर बैरियर पर इंफॉर्मेशन पहुंचा दें ताकि रंजीत किसी भी कीमत पर शहर छोड़ने ना पाए। ओके ओके सर। रेखा रेखा। राकेश बेटा तुम और इस वक्त? दरअसल बात यह माजी, रंजीत पालखान से भाग गया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो सीधा यहीं आएगा। रेखा कहाँ है? वो तो अपने दोस्तों के साथ कैंप फायर पर गई है। Bye.
की जालिम अदा है आंचल की रानी का चस्का चस्का अरे चस्का 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 पड़ गया इनको चस्का अरे चस्का 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 पड़ गया इनको चस्का तो दोस्तों चस्का तो सबको लगा है मगर इस चांदनी रात में इस माहौल में अब और क्या किया जाए बोलो रंजीत तुम मैं पागल खाने से भाग कर आया पागल खाना क्या था अरे अगर तुम मुझे काले पानी की सजा भी दिलवाती ना तो वहां से भी भाग कर आता तुम्हारे लिए जानती हो क्यों तुम्हारा खून करने क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं और तुमने उस मोहब्बत का मजाक उड़ाया और इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा देखा तुम जानती हो इसकी सजा क्या है जानती हो हाँ इसकी सजा है तुम्हारी मौत
हाँ रेखा, तुम्हारी मौत। तुम्हें मारने के बाद मैं अपने आप को भी मार डालूंगा रेखा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं। हाँ रेखा, अगर तुम भागना चाहती हो तो भागो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सो इट्स डिसाइडेड। क्या बात है? हम दोनों के बीच अगर तुम में से कोई भी आया तो मार डालूंगा उसको। देखो दोस्तों, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम लोग मेरे और रेखा के दरमियान ना हो। हट जाओ, मैं कहता हूं। मार! रेखा मेरे घर में नहीं आना, अब मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो मर गया। मर गया तो चलो अच्छा ही हुआ, इसका जिंदा रहना न जाने कितने और बेगुनाह लोगों की मौत का कारण बन जाता। नहीं प्रभा, इसका मारा जाना भले ही ठीक हो, मगर ये हमारे हाथों मारा गया, ये बात ठीक नहीं हुई। तुम ठीक कहते हो देव, हमारे हाथों कत्ल हुआ है इसका। कानून की निगाह में हम सब कातिल हैं। वो कैसे? हमने तो किसी आम आदमी को नहीं मारा ना, हमने तो ऐसे आदमी को मारा है जिसने पहले भी कितने ही कत्ल किए हैं। सतीश, ये बात तो अदालत भी जानती थी, फिर भी अदालत ने उसे हत्यारा नहीं बल्कि एक दिमागी मरीज करार देकर सजाए मौत देने से इनकार कर दिया। ये बात भी सही है, जिस आदमी को कानून सजा नहीं दे सका उसे हमें मारने का कोई हक नहीं है। कमाल है मियां, हम उसे रेखा का कत्ल करते देखते रहते और उसे कहते आओ हमें से एक और का कत्ल कर दो। हम इसको रेखा की जान भले न लेने देते पर इसकी जान तो न लेते। वैसे हमारा फर्ज तो यही बनता था कि इसे पुलिस के हवाले कर देते। वैसे हमने इसे जानबूझकर तो नहीं मारा, हमें क्या पता था कि मर ही जाएगा। कामना, तुम एक पुलिस ऑफिसर की बहन हो, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि कत्ल चाहे जानबूझ के किया जाए या अनजाने में, उसकी सजा या तो उम्र कैद होती है या फिर फांसी। देव, ये मत भूलो कि इस कत्ल के हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। बस यही बात, सिर्फ यही बात हम सब लोगों को याद रखनी है कि इस कत्ल में हम सब बराबर के शरीक हैं। हम सबको ये भूल जाना होगा कि आज रात यह हादसा हुआ था। ठीक है, हालांकि इस शहर में मैं पुलिस अफसर की बहन हूँ, लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं वादा करती हूँ कि राज मेरी जुबान पे कभी नहीं आएगा। हम सब भी ये वादा करते हैं। हम सब वादा करते हैं, वादा करते हैं। मगर अब इस लाश का क्या होगा? मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हम सब चल के इस लाश को छुपा देते हैं, वहाँ यमदूत तक भी नहीं पहुँच सकेगा। तो चलो इस बॉडी को उठाकर वहाँ ले चलते हैं। Thank you.
रेखा फौरन घर चलो। मगर बात क्या है? रंजीत पागलखाने से फरार हो गया है, मुझे यकीन है कि वो इधर आएगा। मगर वो तो यहां नहीं आया। उसकी किस्मत अच्छी है, आखिर वो पुलिस से कब तक फरार रहेगा। और हाँ, तुम सब लोग अपने अपने घर लौट जाओ। रेखा, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं पुलिस वाले भेज रहा हूं। ओके? उसकी कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। हम सिर्फ रेखा को ही नहीं बल्कि हर लड़की को उसके घर बड़ी हिफाजत से पहुंचाकर ही अपने घर जाएंगे। गुड, टेक केयर एवरीबॉडी। ओके, चलो चलो। लाश छुपाने के लिए यही जगह सही रहेगी। हाँ, कोशिश करो। लगाया जा चुका है कि आदमी की मौत दिल की धड़कन बंद होने से नहीं होती। क्लिनिकल डेथ उस वक्त होती है जब आदमी का दिमाग काम करना बंद कर दे। हाँ स्टूडेंट्स, दिमाग पर मुझे याद आया, जो आपकी नेक्स्ट क्लास लेने प्रोफेसर आ रहे हैं वो 6 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रह चुके हैं। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी वो जुमला कहते हैं कि आपकी दुआ से, तो उनके हाथ में जो सामान होता है वो उठाकर मार देते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेटर बी केयरफुल। ओह माय गॉड, ये मैम, ये बुक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई एम नॉटी बॉय, थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम KLPD प्रोफेसर खैरातीलाल पत्थर दिल। हंसने की कोई बात नहीं, यानी भाई गुड मॉर्निंग। आने में जरा हमको देर हो गई थी, इसलिए हम साइकिल के ऊपर ही आ गए क्लास के अंदर। एनीवे, मैं साइकिल जरा पार्क कर लूं। ये माउथ ऑर्गन नहीं है, ये चश्मा है पहनने का। आप लोगों को लगा नहीं है लेकिन लेटर एज में लग जाएगा। एनीवे, ना लगे तो अच्छा है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एनाटॉमी ऑफ बॉडी बताऊंगा, यानी कि स्पेयर पार्ट्स ऑफ बॉडी। आप में से कोई अंग एक दूसरे के संग आओ, यानी कि लड़की और लड़का। एक काम कीजिए, आप आइए और आप आइए स्त्रीलिंग। मैं? क्यों? आपकी दुआ से यू अंग कम विद लड़के के संग। वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल। हाँ तो स्टूडेंट्स, मनुष्य दो तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष, और इनके कुछ अंग होते हैं, मगर कुछ अंग एक समान होते हैं और कुछ अंग असमान होते हैं। तो जनाब, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिए। ये क्या है? आँख। वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट, यू नो आँख क्या होती है। वेरी नाइस। ये क्या है? नाक। वेरी गुड, आँख सूंघने के लिए होती है और नाक देखने के लिए होती है। वेरी नाइस। और ये क्या है? कान। सुनने के लिए होते हैं, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं। मुख खोलो, मुख खोलो, मुख खोलो, जबान निकालो, जबान निकालो, जबान निकालो। अरे
ये जबान चखने के लिए होती है, स्वाद के लिए होती है, और जनाब इसके नीचे वेरी स्मार्ट, इसके नीचे ये क्या है? आपकी दुआ से वो अंग है। अंग बताने से पहले रंग बदल गया बेंचों के पीछे, एक दूसरे के पीछे, आपकी दुआ से, आपकी दुआ से, आपकी दुआ से। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग क्या समझते हो मुझको पागल? हाँ मैं पागल क्या मतलब? सर आप जब भी आपकी दुआ से बोलते हैं तो उस वक्त आपके हाथ में जो कुछ भी होता है आप दूसरों पर फेंक के मार देते हैं। मेरे हाथ में जो कुछ होता है मार देता हूँ? किसने बताया? सेक्सी प्रोफेसर मिस मल्होत्रा ने। मिस मल्होत्रा ने? इस मिस को डिसमिस करवाऊंगा। मेरा नाम भी केएल पीडी है। मल्होत्रा, मिस मल्होत्रा, अरे ये मिस मल्होत्रा कौन है? क्यों, क्या बात है? मुझे उससे मिलना है, मैं उसकी छुट्टी कर दूंगा आपकी दुआ से। मिस मल्होत्रा से मिलना है? जी हाँ। उनकी छुट्टी करनी है? जी हाँ। छुट्टी नहीं कहा मिस मल्होत्रा, आप अपने आप को समझती क्या है? आप दिखने में 40 बच्चों की माँ लगती है और अपने आप को मिस करती है। What do you mean? अरे इन मीन 3:30 डस्ट का बीन, आई मीन क्या मैं आपको पागल लगता हूँ? पागल लगते हो नहीं, पागल हो। अभी तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल साहब से करती हूँ, ना जाने कैसे कैसे लोग घुसाते हैं। अरे घुसाते नहीं है, बुलाए जाते हैं। मैं इस कॉलेज का ऑथराइज प्रोफेसर हूँ, KLPD एनाटॉमी का लेक्चरर हूँ। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में आदमी की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसकी मौत हो सकती है। यू कैन बी डेड। आई कैन बी डेड? ओह नो, इट्स टू अर्ली टू डाई, यू ओनली लिव ट्वाइस। यू आर राइट। ये क्या हो रहा है स्टाफ रूम में? सर हम एक दूसरे की दिल की धड़कने देख रहे थे, आप उनकी देखिए। इनकी धड़कने तो मैं देखता हूँ। मिस्टर KLPD? यस सर। ये क्या बेहुदा हरकतें हो रही है स्टाफ रूम में? देखिए ये तुम्हारी पहली गलती है और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। दोबारा ऐसी बेहुदा हरकतें कॉलेज में नहीं होनी चाहिए। वेरी नॉटी, आपके जैसे। मेरे जैसे? याउच, वो आउच। प्रभा तुमसे एक बात कहनी है, बोलो मानोगी ना? बात अगर मानने वाली हो तो क्यों नहीं मानोगी भला? मेरे मम्मी डैडी आज आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं और जब से कैंप वाला हादसा हुआ है ना तब से तो मम्मी डैडी की होती है भी मैं नहीं सो पाती हूँ। आज तो मैं अकेली हूँ, डर के मरे मर ही जाऊंगी। अच्छा तो तू ये चाहती है कि मैं आज रात के लिए तेरे घर स्टे करूँ? हाँ प्लीज। तो इसमें रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आज रात के लिए मैं तेरे घर रुक जाऊंगी। और रही बात पापा को इन्फॉर्म करने की, वो मैं तेरे घर से फोन कर लूंगी। ओके। प्रभा कहाँ से बोल रही हो? पापा मैं अनुराधा के घर से बोल रही हूँ, उसके मम्मी डैडी आज रात के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं, वो अकेली डर रही थी तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक रात के लिए मैं उसके घर ठहर जाऊँ। बेटा तुम्हें पता है कि वो कातिल पागलखाने से फरार हो चुका है, मुझे फिक्र लगी हुई है। पापा प्लीज। ठीक है, लेकिन बेटे जरा होशियार रहना और हाँ सुबह जल्दी लौट आना। ठीक है। We'll be right back.
रेखा क्या हुआ बेटी? रेखा क्या हुआ बेटी? माँ माँ ये फूल, ये फूल तो तुम्हें वही कातिल दिया करता था जो पागल खाने से भाग चुका है। हे भगवान, इसका मतलब वो यही कहीं है? नहीं माँ, अब वो कातिल यहाँ आ ही नहीं सकता। मुझे बातों में मत बहलाओ, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पर वो सुनो तो माँ। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। रेखा रेखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ तो खामखा घबरा रही है, पर यहाँ कोई आया भी नहीं। अरे अगर वो यहाँ ना आया होता तो तुम्हारे पास ये फूल कहाँ से आया? रेखा, गिरफ्तारी से पहले भी रंजीत तुम्हें इसी तरह के फूल दिया करता था, है ना? वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि ना तो वो यहाँ पर आ ही सकता है और ना किसी का कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि क्योंकि तुम पागल हो गई हो रेखा। अदालत में वो तुम्हें जान से मार डालने की धमकी दे चुका है, पागल खाने से वो फरार हो गया है, और तुम्हारे कमरे में ये फूल तक रख गया है, और तुम कहती हो कि यहाँ आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? आखिर क्यों नहीं आ सकता हूँ यहाँ? क्योंकि हमने उसका कत्ल किया है, एक जिंदा आदमी की जान ली है हम सब लोगों ने। ओफो, मैं तुम्हारे साथ एक रात के लिए रहने आई हूँ ताकि तुम्हें डर ना लगे, और तुम हो कि अपने साथ मुझे भी डरा रही हो। खिड़की ने तो मेरी जान ही निकाल दी। अब सोच क्या रही हो, जाके बंद कर दो ना खिड़की को। ठीक है। दोनों हाथ मेरे थे भाई, हमें मालूम था कि तुम दोनों आज यहाँ अकेली रहने वाली हो, इसीलिए हमने प्लान बनाया कि आज तुम लोगों को डराया जाए। मगर अनु, तुम इतनी देर खामोश क्यों रही? क्या करती? सूरज ने मेरा मुंह जो बंद कर रखा था। और वैसे आप लोगों की फूली हुई सांसें, माथे का ये पसीना और उड़ा हुआ ये रंग इस बात का सबूत है कि हमारा प्लान कामयाब रहा। क्यों जानेवान, कैसी रही? बहुत बुरी रही मेरी जान, अभी अच्छी भी कर देंगे। जरा अंदर तो चलो। वैसे मजा आ गया। अरे भाई, हमें क्या मालूम था ये लोग इतने डरपोक निकलेंगे। ये लो प्रभा नाइटी, पहन लो, हैव अ चेंज। ठीक है, आई विल गो एंड चेंज। नाइटी पहनाने में मैं आपकी कोई मदद करूंगा। शट अप, ओके। ठीक है, मैं भी चेंज करके आती हूँ। अबे जा जा, मौका चाहे। मौका खुद को चाहिए और भेज रहे हो मुझे? अबे जाना। ओके। जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, तुम्हें अपनाने के लिए आया हूँ। सूरज देखो, ये बहुत बुरी बात है मेरी जान। इश्क की सबसे बेहतरीन बात को बुरा कहोगी तो इश्क करने का फायदा ही क्या है? प्लीज
प्लीज जाओ यहाँ से। कम ऑन, प्लीज जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे प्लीज सूरज। नहीं सूरज, कैसी लग रही हो? सेक्स बॉम्ब। शट अप। क्या तुम भी वही सुन रही हो जो मैं सुन रहा हूँ? आवाजें उठ रही हैं तो कानों में पड़ेगी ही ना। तुम नहीं समझती कि वो दोनों वक्त और तन्हाई का सही फायदा उठा रहे हैं? देव, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो कुछ करना चाहता हूँ। अनुराधा, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम बोलती क्यों नहीं? अनुराधा, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? वो देखो, सूरज ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया देव, और ना ही मैंने किसी को ऐसा करते हुए देखा है। ये तो अपने आप ही लहूलुहान होती चली गई। मेरा यकीन करो देव, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सूरज, तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई आया नहीं, दरवाजा अंदर से बंद था, तुम अनुराधा के साथ यहाँ अकेले थे, और इसकी ये हालत? जरूर तुम नहीं। हाँ सूरज, ये अपने आप लहूलुहान कैसे हुई? बोलो सूरज, बोलो। प्रभा, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सूरज, कहाँ जा रहे हो? जिस वक्त कत्ल हुआ, तुम्हारे अलावा और कौन था इस घर में? जी जी, हमारा क्लास फेलो था सूरज। तुम दोनों इसी कमरे में थे? जी नहीं, मैं और प्रभा, हम दोनों बाहर थे कि अचानक सूरज के चिल्लाने की आवाज आई। फिर जब हम लोग अंदर आए तो अनुराधा को खून में लथपथ हुए देखा। और सूरज? वो चिल्लाता हुआ बाहर चला गया, वो कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। तो फिर सूरज का यहां से भाग जाना ये साबित करता है कि कत्ल सूरज ने ही किया है। इंस्पेक्टर शर्मा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। प्रभा, प्रभा, गुड मॉर्निंग अंकल। प्रभा तैयार हो गई क्या? तैयार तो है, मगर आज से तुम्हारे साथ वो कॉलेज नहीं जाएगी। क्यों अंकल, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? भूल ही नहीं, विश्वासघात किया है तुमने। मैं तुम पर भरोसा करके प्रभा को तुम्हारे साथ कॉलेज भेजता रहा, और तुम दोनों ने मेरे भरोसे का इतना नाजायज फायदा उठाया कि रातों को किसी के यहां मिलना शुरू कर दिया। लेकिन पापा,
हमने तो कोई गलत काम तो नहीं किया। ये बात मैं किस किस को समझाऊंगा, समाज को, अपने आप को या इन अखबार वालों को, जिन्होंने साफ साफ लिखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बेटी। हाउ डिस्गस्टिंग एंड शेमफुल। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, यू मे गो नाउ। लेकिन पापा। यू शट अप। तुमने अगर कॉलेज जाना है तो ड्राइवर को साथ ले लो। कोई जरूरत नहीं, मुझे कॉलेज का रास्ता मालूम है। तुम यहाँ? प्रभा, कहीं तुम लोग भी मुझे अनुराधा का कातिल तो नहीं समझते? लेकिन तुम वहां से भाग क्यों गए? मैं डर गया था, घबरा गया था। तुम नहीं जानती इन आंखों ने अनुराधा की क्या हालत देखी है। वो सब तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए था ना, तुम्हारे भाग जाने से पुलिस तुमको शक की निगाह से देख रही है। इसीलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहता था। तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े वकील है ना, प्लीज कैसे भी पुलिस को यकीन दिला दो कि अनुराधा का कत्ल मैंने नहीं किया है। इस बात का फैसला अब अदालत करेगी। मिसेस सूरज, मैं जानता था कि तुम मिस प्रभा या मिस्टर देव, इन दोनों में से एक से जरूर मिलोगे। यू आर अंडर अरेस्ट। मगर ये कत्ल सूरज नहीं कर सकता। ये हम आपसे बेहतर जानते हैं मैडम। कांस्टेबल, मैंने कत्ल नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। प्लीज मेरी बात मानिए। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं आप अपने दोस्त के मर्डर और दूसरे दोस्त के गिरफ्तार हो जाने की वजह से दुखी हैं, पर आपकी दुआ से वो दोनों रात को अंधेरे में अकेले गए क्यों थे वहां पर? बोलो 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 बोलो। सर, वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत किया करते थे। मोहब्बत? अरे मोहब्बत, प्यार, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, अरे ये तो बड़ी नेचुरल चीजें हैं। इन्हीं नेचुरल चीजों के हम नतीजे हैं और यहां बिखरे हुए अपनी जिंदगी का इम्तिहान दे रहे हैं। इस नेचुरल क्रिया को सेक्स कहते हैं। सेक्स कोई अंग नहीं है, एक फीलिंग है, एक आनंद है जिसे हर स्त्री और पुरुष को भरपूर लेना चाहिए। जिस तरह आप और मिस मल्होत्रा लेते हैं। हाँ, क्या मतलब? प्रोफेसर साहब, सारा कॉलेज आप पे थू थू करता है। थू थू? कॉलेज को गंदा कर रहे हैं थू थू करके? क्यों कर रहे हैं थू थू? क्योंकि मिस मल्होत्रा आपके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। तो बनने दो, मिस मल्होत्रा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उनसे। मल्होत्रा, क्या आप बता सकती हैं कि वो बुड्ढी खड़ूस मल्होत्रा कहाँ है? क्यों, क्या बात है? अरे उसने मुझे बदनाम कर दिया। वो कहती है कि मैं उसके होने वाले बच्चे का बाप हूँ। मैं। अच्छा? हाँ। इसका मतलब है कि तुम बाप नहीं बन सकते? नहीं नहीं नहीं, अरे मैं क्यों नहीं बन सकता, लेकिन उस बुड्ढी खड़ूस मल्होत्रा के बच्चे का बाप नहीं। आपके बच्चे का बाप बन सकता हूँ। व्हाट? क्यों, गलत कह दिया मैंने? नहीं, शादी के बाद, शादी के बाद। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों क्यों? ये जो तुम्हारी हाथ और बदन की हरकतें हैं ना, इससे मुझे लगता है कि तुम फिजिकली फिट नहीं हो। तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में जरूर कोई गड़बड़ी है। स्पाइनल कॉर्ड में? नहीं, ये तो मैंने बचपन में एक सांप देख लिया था, उसकी वजह से है, वरना मेरे बदन के किसी हिस्से में कोई कमी नहीं है। शाम को मिल रही हो ना? आने से पहले मुझे फोन कर लेना। ओके, बाय बाय। हेलो, कौन बोल रहे है? मैं तुम्हारी मौत बोल रहा हूँ। ओह शट अप। क्यों, मेरी बात का यकीन नहीं? जिस तरह तुम्हारे साथियों को मारा उस तरह तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। हाँ, कौन हो तुम? अपना नाम क्यों नहीं बता दे? रंजीत, वही रंजीत जो चल रहा है इंतकाम की आग में। ये क्या बेहुदा मजाक है, यू रास्कल।
बेटी, क्या हुआ? बेटी दरवाजा खोलो। अच्छी बेटी दरवाजा खोलो। हम दरवाजा खटखटाते रहे लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला। जब हम अंदर आए, जब दरवाजा खुला तो हमारी बेटी मरी हुई पड़ी थी। लगता है सर कातिल ये कांच तोड़कर ही अंदर दाखिल हुआ है। शर्मा, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। बैठोती है। एक मिनट इंस्पेक्टर। इस घेराव का मतलब? अभी तो सिर्फ एक इंस्पेक्टर का घेरा हुआ है, लेकिन अगर सूरज को रिहा नहीं किया गया तो तमाम मेडिकल कॉलेजेस के सभी स्टूडेंट्स शहर के हर पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। इसका अंजाम जानते हो तुम लोग? अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस अपनी नाकामयाबी के बदले एक होनहार स्टूडेंट का कैरियर तबाह करे, ये हम नहीं होने देंगे। मिस्टर, ये मत भूलो, सूरज जिसके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है वो भी आप लोगों के कॉलेज की एक होनहार स्टूडेंट थी। रही पुलिस वालों की बात, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें आप जैसे लोगों की धमकियां सुनने की आदत है। इंस्पेक्टर साहब, हम वो बादल नहीं जो सिर्फ करचते हैं, अंडरस्टैंड? भैया, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्यों नहीं सोचते कि सूरज पुलिस कस्टडी में है और एक कत्ल और हो चुका है? अगर सूरज ने पहला कत्ल किया है तो फिर ये दूसरा कत्ल किसने किया है? हमारे क्लास की ये दूसरी लड़की का कत्ल है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, कातिल पुलिस की गिरफ्त में था और फिर भी उसका कत्ल हो गया। मीनाक्षी इनकी इकलौती बेटी थी, पुलिस की लापरवाही ने इनके घर की रौनक छीन ली। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, नाम कमाने का अच्छा मौका है, आइए एक और स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लीजिए। डोंट वरी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम ऐसा भी करेंगे। सर, ये रही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सर, मीनाक्षी का कत्ल भी हूबहू अनुराधा के कत्ल की तरह हुआ है, वैसा ही नोकीला पंजा इस्तेमाल किया गया है। यानी कि मीनाक्षी का और अनुराधा का कातिल एक ही है? सर, लगता तो ऐसा ही है। सूरज बेगुनाह साबित किया जा सकता है। प्लीज, आप तो सूरज को रिहा कर दीजिए। फ्रेंड्स, मेरी सूरज से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर गिरफ्तारी की कोई वजह थी तो रिहाई की भी कोई वजह होनी चाहिए। इंस्पेक्टर, सूरज को जमानत पर छोड़ दिया जाए। ओके सर। चलो, सूरज को उसकी रिहाई की खबर सुना के उसे खुश करते हैं। Oh, my God.
सर आपसे एक बात कहनी है। हाँ शर्मा बोलो क्या बात है। सर जिस तरह से कातिल आज तक ना तो पुलिस वालों को ही नजर आया ना ही किसी दूसरे आदमी को, और हैरानी की बात तो यह है कि ना तो आज तक उसकी उंगलियों के निशानी मिले ना ही पैरों के। ये सब तो मैं भी जानता हूं, लेकिन आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही सर, ये सब आसार और हमारी जेल में सूरज की अजीबोगरीब मौत से यही लगता है। कत्ल कोई कातिल नहीं कर रहा बल्कि कोई भारी शक्ति यानी के कोई रूह वगैरह। ओह शट अप इंस्पेक्टर, अपनी लापरवाही को अब तुम सुपर नेचुरल बातों पर थोपना चाहते हो। अब तक पुलिस उस कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी, यहां तक कि हमारी कस्टडी में सूरज खुद मर गया या मारा गया, और हम कुछ ना कर सके। यह हमारी लापरवाही का नतीजा है। हमें पब्लिक और प्रेस दोनों का सामना करना है। अगर तुम अपने और अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बनाए रखना चाहते हो तो इन फिजूल बातों के बजाय यह सोचो कि हमें किस तरह और कैसे जल्द से जल्द कातिल को पकड़ना है। समझे? And now you may go. Yes, sir. स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कुछ लोग धनाधन मर चुके हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप सब मारे जाओगे। जी? I'm sorry, but natural, one has to die day में या night में, left में या right में, सबको एक दिन मरना है। Anyway, हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है कि मुर्दे की चीर फाड़ कैसे की जाए, उसका पोस्टमार्टम कैसे किया जाए। लेकिन सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? अरे ये तो मुर्दा है, लाश है। हम इसकी टांग तोड़ सकते हैं, इसकी गर्दन मरोड़ सकते हैं, इसके सर, सुना है इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है। भूत? मेडिकल स्टूडेंट होकर भूत प्रेत पर विश्वास करती हो? अगर ये भूत बन के आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? मेरे सामने खड़ा हो जाए तो काट के चीर फाड़ के फेंक दूंगा। कमान हाथ पकड़ लिया, मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। तुम छोटू 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 मुर्दा जी, छोड़ दीजिए मुझे, मेरी इज्जत का सवाल है। छोटू नहीं छोड़ूंगा, पहले ये बता भूत होता है कि नहीं? होता है ना, मैं तो पहले ही कहता था मगर ये लोग मेरा यकीन ही नहीं करते। वो होता है। अरे लड़की मुश्किल में है जान। अरे सर आप घबराते क्यों हैं? ये मुर्दा थोड़ा ही है, ये तो अपनी क्लास का स्टूडेंट जग्गू है। सर वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि आदमी किसी भी प्रोफेशन में हो मर्दों से डरता है। आप भी डर गए ना? हाँ डर गया। अरे कौन डर गया? अरे मैं तो तुम लोगों को इंटरटेन कर रहा था। ओके ओके, अब ये मजाक बंद करो और असली का मुर्दा लाओ। असली का मुर्दा। अरे नहीं, आज हमारा मूड नहीं है, हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। आउट आउट आओ, छुट्टी। बाथरूम का है। अरे बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो क्लास छोड़कर? अरे गुस्सा खाने, मुर्दा जाग गया। मुर्दा जाग गया। मैं देखो मारो गोली। उस दिन जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका अभी तक कोई असर नहीं हुआ। मुर्दा जाग गया और तुम पर कोई असर नहीं हुआ। गोली खाइए, फुटास की गोली। आउच, गोली खाइए, फुटास की गोली। सतीश, जो कुछ सर ने क्लासरूम में समझाया मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। अरे इट्स वेरी इजी, तुम एक काम करो मेरे साथ घर चलो, 2-3 घंटे में तुम्हें सारे नोट समझा दूंगा। ओह थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन तुम्हें उसकी ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। हाँ सेरेब्रम सेंसरी एंड मोटर फंक्शन करता है। सेरेब्रम मस्कुलर मूवमेंट जैसे चलना, अपने आप को बैलेंस करना। मेन स्ट्रीम, दिस सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। दिमाग के किसी भी पार्ट को चोट लगने से आंखों की रोशनी जा सकती है, पैरालाइज यानी कि लकवा मार सकता है, या फिर पागल हो सकता है। एंजियोग्राम, ईईजी, कैट स्कैन, इनके जरिए से। टीना,
क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, तुमने मुझे उस पागल रंजीत की याद दिला दी जो हम लोगों के हाथों मारा गया था। टीना, व्हाट इज दिस यार, ये कैसा पागलपन है? अच्छा चलो, आज की स्टडीज बहुत हो गई, अब थोड़ा रिलैक्स कर लो, एक एक पैक हो जाए। नो थैंक यू, आई डोंट ड्रिंक, मैं बिल्कुल नहीं पीती। तुमको चाहिए तुम अपना पैक बना लो, मैं भी आई। ओके, होप यू डोंट माइंड। भी और पढ़ना है ना, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। चलो एक बार और रिवाइज करा देता हूं। ह्यूमन बॉडी की थ्योरी तो बात हो चुकी, अब जरा प्रैक्टिकल हो जाए। क्या मतलब? बेटी क्या हुआ? बेटी तू तो सतीश के पास पढ़ने गई थी ना, कुछ कहा क्या उसने? सतीश सतीश सतीश, वो मुझसे क्या कहता? मैंने ही उसको, माँ तुम मुझसे प्यार करती हो ना? इस गुड़िया के सिवा दुनिया में मेरा है ही कौन पागल? माँ ये गुड़िया अब तुमसे छिन जाएगी, ये गुड़िया अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी, ये गुड़िया गुड़िया अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी माँ, नहीं रहेगी। बेटी, सर ऊपर वाले हॉल से ये कुछ किताबें मिली हैं जिन पर किसी लड़की टीना मल्होत्रा का नाम लिखा हुआ है। टीना मल्होत्रा? No!
किताबों को पहचानती हूँ। हाँ हाँ, ये तो टीना की किताबें हैं। आई सी, क्या बात है? घबराने की कोई बात नहीं, मैं मिस टीना से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ आइए। टीना बेटी, मीनाक्षी अनुराधा और सूरज के कत्ल के बाद सतीश और टीना का भी कत्ल हो गया। समझ में नहीं आता कि एक के बाद एक कत्ल हमारे हंगामा ग्रुप का ही क्यों हो रहा है। आखिर उस कातिल की हमसे क्या जाती दुश्मनी बनी है? मेरा कहा मानो, तू यहाँ एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, हमें उसे मिलना चाहिए। तांत्रिक से मिलने का ये मतलब है कि उसे बताना होगा कि हमारे हाथों रंजीत का कत्ल हो गया है। तो इसमें हर्ज ही क्या है, वो कम से कम हमें कोई रास्ता तो बताएगा। हाँ, कामना ठीक ही कहती है। मैं दीवाना तुझको चाहूं, दोनों आंखें नीचे फिरती है दो चार हसीना मेरे आगे पीछे, ऐसा न हो दिल ये मेरा और किसी पे आए, मैं उसके पीछे भागूं और तू मेरे पीछे पीछे। कुर्ते का बटन बन के बेबी लग जाता मैं तेरे सीने से, तेरे कुर्ते का बटन बन के बेबी लग जाता मैं तेरे सीने से, तेरी सांसों की अगन से मैं जल जाता यही आशा है बारह महीने से, तेरे कुर्ते का बटन बन के बेबी लग जाता मैं तेरे सीने से। झूला बन के तेरे कानों में मैं झूला करता, पर्दे वाली बातें करता मैं तुझसे दीवानी, मेरी बातें सुन के तू हो जाती पानी 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 दीवानी, रात को जब तू सो जाती मैं अपनी बाहें भरता, गोरे गालों पे किस करना मैं तो ना मिस करता, गोरे गालों पे किस करना मैं तो ना मिस करता, काली जुल्फों तले चल हट, काली जुल्फों के तले मैं भी सो जाता भीग जाता महकते पसीने से, तेरी सांसों की अगन से मैं जल जाता यही आशा है बारह महीने से।
मैं तो कर देता हैरान, कभी मैं तेरे पाँव पड़ता कभी गले लग जाता, चिकने तन की सैर में करता हाथ न तेरे आता, गले लगा ली प्याज बुझा ली, ठंडे ठंडे पानी में अंगारे मैं भर देता, मेरे बिन तू चैन न पाती वो जादू कर देता, मेरे बिन तू चैन न पाती वो जादू कर देता, दिल पर जानी अरे जा जा, दिल पर जानी मैं बड़े काम की चीज हूँ, यूं न आंखें चुरा इस नगीने से, तेरी सांसों की अगन से मैं जल जाता, यही आशा है बारह महीने जी। मुझको प्यार से तू उठाती, धीरे धीरे उसको अपने होठों से लगाती, ऐसा तू जो करती मुझको कितना अच्छा लगता, तू क्या जाने मेरा तो हर सपना सच्चा लगता, सपना बना ले अपना, तेरे होठों पे जम जाता बनके ऐसी लाली, लाख मिटाए मिट ना पाता सुन ले ओ मतवाली, लाख मिटाए मिट ना पाता सुन ले ओ मतवाली, नखरे वाली शट अप, अपने होठों से लगा ले इस दीवाने को, फायदा क्या अकेले में जीने से, तेरी सांसों की अगन से मैं जल जाता, यही आशा है बारह महीने से। तेरे कुर्ते का बटन बन के बेबी, लग जाता मैं तेरे सीने से, तेरी सांसों की अगन से मैं जल जाता, यही आशा है बारह महीने से। तेरे कुर्ते का बटन बन के बेबी, लग जाता मैं तेरे सीने से, तेरी सांसों की अगन से मैं जल जाता, यही आशा है बारह महीने से। अच्छा तुम गाते भी अच्छा हो गाते और रोमांस भी अच्छा कर लेते, कर लेते। अब देखना ये है कि खिलाड़ी कैसे हो। खिलाड़ी उसके लिए गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? अभी बताती हूँ। कुप्पी, कुप्पी अंदर। कुप्पी के अंदर क्या डालोगी? ये कुप्पी के अंदर। हाँ, तीन सिक्के। तीन सिक्के देखो, पहले ये सिक्का तुम माथे पर लगाकर झुक कर इसमें डालो, अगर तीन बार तुमने बराबर से डाला तो मैं समझूंगी तुम गेम जीत गए हो, तुम्हें खेल में कोई नहीं हरा सकता। ऐसा ऐसा तो करो करो, क्या करना है? शुरू करें। माथा ऊपर करो। ये नंबर एक। नंबर एक अब झुककर इसमें डालो। झुककर इसमें डालो। डालो डालो डालो। शाबाश, वेरी गुड। अब तो मैं सबको हरा सकता हूं। अभी नहीं, अभी दो और हैं। एक और है। दो और हैं। अब नंबर टू। नंबर टू झुको डालो। अब शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और है डालो। और ऊपर, और ऊपर करो। डालो और ऊपर, और ऊपर करो। वन मिनट हाँ, वन मिनट हाँ। सॉरी, कुछ अंदर हो गया। ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया। चीटिंग, धोखा करी, मैं धोखा दिया मेरे को। चीटिंग। पुलिस डिपार्टमेंट को तो हर एक को शक की निगाह से देखना होगा। फिलहाल तुम एक काम करो, शहर की जितने गुंडे बदमाश कॉलेज लीडर्स हैं उन सबको एक रात के लिए पुलिस कस्टडी में ले लो। मगर सर, बिना कसूर इतनी गिरफ्तारियां, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, और फिर इससे होगा भी क्या? होगा ये शर्मा, उस एक रात अगर कोई कत्ल ना हुआ तो यह बात तय हो जाएगी कि कातिल कोई प्रोफेशनल है और उनमें से एक है जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है। और अगर कत्ल हो गया तो फिर पुलिस की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ रंजीत की गिरफ्तारी तक सीमित रहेगी। गिरफ्तारियां शुरू कर दो। आज रात शहर का हर क्रिमिनल हमारी हिरासत में होना चाहिए।
क्या हम जान सकते हैं कि हमें बिना वजह क्यों गिरफ्तार किया गया? ये जनता का राज है, पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। कानून के रखवाले गुंडागर्दी पर उतर आए तो हम गरीबों का क्या होगा? हमें बाहर निकालो इंस्पेक्टर, वरना हम अपील करके इस गिरफ्तारी के खिलाफ केस करेंगे। देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे ऊपर से ऑर्डर हुए हैं और मुझे उन्हीं पर अमल करना है, दैट्स ऑल। अरे तुम डरी नहीं? इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि इस कमरे में भूत आ गया हो? तुम्हें भूत का डर नहीं लगता? तुम भी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो, मेडिकल के स्टूडेंट होके इन बातों पे यकीन करते हो? यकीन करता तो नहीं हूं, लेकिन कभी कभी यकीन करना पड़ता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ अकेले घर में बोर हो रहा था, सोचा थोड़ा दिल बहला लूं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे दिल से दिल मिला के दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चलो बेडरूम में चले। बेडरूम में? हाँ, जैसे सूरज और अनुराधा गए थे है ना, जैसे सतीश और टीना गए थे है ना, लेकिन वो बेचारे तो दिल बहलाने गए थे, उन्हें भूत ने मार दिया। भूत ने? हाँ, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। देखो मैं मजाक कर रहा था। मजाक? मैं चलता हूँ। क्यों दिल नहीं बहलाना? नहीं, फिर कभी, कल कॉलेज में मिलेंगे ना। ओके बाय बाय। रेखा मैं हूं तुम्हारा आशिक रंजीत, मौत के अंधेरे से फूल लाया हूं। मुझे तुमने मोहब्बत के बदले मौत दी, तुम्हारे कुछ साथियों को मैं खत्म कर चुका हूं, और आज रात जानती हो कौन मरने वाला है? जया, जया, मैं उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा उसे। हेलो। हेलो देव, देव तुम जया के घर फौरन पहुंच जाओ। देखा क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, इतनी घबराई क्यों? देव आज रात को जया का खून होने वाला है देव, और ये बात मुझे रंजीत की आत्मा ने खुद कही है। क्या बात कर रही हो रेखा, पागल हो गई क्या? मेरी बात समझने की कोशिश करो देव, रंजीत अभी आया था यहाँ पर और इसने कहा है कि आज रात को जया का कत्ल कर देगा। तुम ऐसा करो फौरन पुलिस को फोन कर दो। मगर? अगर मगर कुछ नहीं रेखा, जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। मैं अभी वहाँ अमृत और मयूर को लेकर पहुँचता हूँ। ओके बाय। हेलो राकेश, हाँ तुम जल्दी से जया के घर पहुँचो, आज रात को उसका कत्ल होने वाला है। ऑफ वो ये बातें पूछने का वक्त नहीं है राकेश, तुम जल्दी से उसके घर पहुँचो और उसकी जान बचा लो। ओके। Thank you.
हादसा ना हो इसीलिए तो तुम्हें छोड़कर चला गया था जय। मुझे क्या पता था मेरे जाते ही तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती जया। कह रहा था तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए जया। जया जया कुछ बोलो प्लीज कुछ बोलो ना भैया। रेखा की बातों पर हमको यकीन नहीं आया। उसने पहले ही कहा था कि रंजीत जया को मारने वाला है और ऐसा ही हुआ। क्या अभी कोई शक है कि उसकी आत्मा हम सबसे बदलना चाहती है? मैं तो कहता हूं कि तांत्रिक बाबा ही अब हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। दिमाग में बात चलती तो नहीं है लेकिन जो सामने उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से तांत्रिक बाबा के पास चलना चाहिए। लगता है पुलिस आ गई। अब इससे पहले कि हम किसी और मुसीबत में फंस जाएं हमें यहां से चल देना चाहिए। हाँ चलो भैया चलो भाई चलो। मैं जय को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बात समझ कमांड यू हास्ट चले प्लीज छोड़ दो मुझे जल्दी करो। ओ माय गॉड इसे तो किसी आदमी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया साहब। ये कत्ल किसी आदमी ने नहीं बल्कि उसी शैतान ने किया है जिसने अपने खूनी पंजे से कई और कत्ल किए। मेरा शक तो रंजीत पर जाता है। जिन बदमाशों को हमने गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़ देना चाहिए। यस सर। हम लोग तो जा ही रहे हैं इंस्पेक्टर मगर एक बात याद रखना यह हरकत करके तुमने अपने लिए खतरा मोल ले लिया है। और शट अप पुलिस डिपार्टमेंट इन धमकियों से ना कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा। हाँ रहा सवाल तुम सबकी गिरफ्तारी का तो एक रात के लिए तुम सबको गिरफ्तार करना जरूरी था। बेकसूर के लिए एक घंटे की कैद भी नाकाबले बर्दाश्त होती है इंस्पेक्टर और आप एक रात की बात कर रहे हैं। मौका मिला तो बताऊंगा इंस्पेक्टर कि एक रात की कैद भी कितनी तकलीफ दे होती है समझे। रूहे होती हैं बेटा ये बात उतनी ही सच है जितना सूरज चांद और धरती का वजूद है। बाबा एक रूह हम सबको खत्म कर देना चाहती है और ये बात उसने मुझे खुद बताई है। बाबा इस रूह से बचने का कोई तरीका नहीं है। है क्यों नहीं अगर रूहों का वजूद सच है तो उनको वश में करने का तरीका भी है। तो क्या आप उसे अपने वश में कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकता हूँ। तुम मुझे उसका नाम बताओ। कमाल है बाबा आप रूह को बुला सकते हैं अपने वश में कर सकते हैं और उसका नाम नहीं जान सकते। आपको सब पता होना चाहिए बाबा। हाँ अगर तुम ऐसा ही चाहते हो
तो ऐसा ही सही, मगर एक बात ध्यान रहे, तुम सब लोग अपनी जगह से हिलोगे नहीं और बिल्कुल शांत रहोगे, खामोश। अपने अपने हाथ यंत्र से लगाओ, लगाओ, और जब तक मैं ना कहूं कोई अपना हाथ नहीं हटाएगा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम श्री यंत्राय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः। तू कौन है, कहाँ है, क्यों सबको परेशान करता है? तुझे मालूम है कि मैं जान जाऊंगा, ईश्वर की दी हुई जिंदगियों को खत्म करने का तुझे कोई हक नहीं है। आजाब बोल, तेरा नाम क्या है, बोल तेरा नाम क्या है? रंजीत। रंजीत बता, तू इन बेगुनाहों की जान क्यों लेना चाहता है? बता, जान क्यों लेना चाहता है? ये लोग बेगुनाह, इन सब लोगों ने मिलकर मेरा कत्ल किया है, मुझे अकेले को इन सब ने मारा है, इन सबको मैं मार डालूंगा, एक एक करके सब मारे जाएंगे। ये तेरी भूल है रंजीत, अब तुझे ये सिलसिला खत्म करना होगा। ये सिलसिला तो रेखा को मार के ही खत्म होगा, मगर रेखा सबसे आखिर में मरेगी और सबसे पहले बारी आएगी अब इस राजू के कत्ल होने की। मेरी और तुम सबकी जान जा सकती थी, मैं इन बातों में यकीन नहीं मानता, समझे? नहीं मानते तो फिर यह क्यों था? मैं कहता हूं सब चले जाओ, चले जाओ सब यहां से। अरे तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? साइंस के स्टूडेंट होते हुए उस तांत्रिक की बातों में यकीन करते हो? बैड राजू, रंजीत की आत्मा ने मुझसे कहा है, और फिर अब इस तांत्रिक की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तांत्रिक के हिसाब से तो राजू की जान खतरे में है। तुम सुन चुके हो कि मैं इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं जा रहा हूं और देखना चाहता हूं कि रंजीत की आत्मा मेरा क्या बिगाड़ लेती है। ठहरो राजू, इसे मजाक मत समझो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इसको तो अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। एक काम करते हैं, आज रात हम एक साथ मिलकर बिताते हैं, जिस चीज का भी मुकाबला करना है सब इकट्ठे मिलकर करेंगे। ये भी ठीक है, एक और एक 11 होते हैं। बिल्कुल ठीक, और अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना हम सब मिलकर मौत का मुकाबला डटकर करें। तो आज रात को 10 बजे सब पुरानी हवेली में मिल रहे हैं, याद रखना। ओके ओके, आओ। मैं नहीं जानती राजू कहाँ है। राकेश, तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे पर शक कर रहे हो,
ये तुम्हारी गलतफहमी है रेखा। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर कुछ जानती हो। क्या मैं ये नहीं जानता कि रंजीत तुम्हें कितना प्यार करता है? क्या मैं ये नहीं जानता कि रंजीत ने तुम्हें जय के कत्ल के बारे में सब कुछ बताया था? क्या मैं ये नहीं जानता कि रंजीत तुम्हें तुम्हारे घर गुलाब देने आया था? रंजीत के अस्पताल से फरार हो जाने के बाद जब मैं तुम लोगों से मिला, तुम लोगों के चेहरे घबराए हुए थे। तुम लोगों के चेहरे से ऐसा मालूम होता था जैसे तुम लोगों ने कोई खून किया हो। ना हो, तुम्हारा ग्रुप कातिल के बारे में जरूर कुछ जानता है, तभी तो रंजीत के अस्पताल से फरार हो जाने के बाद तुम्हारे ग्रुप के एक एक लड़के लड़कियों के कत्ल होते रहे, और इसीलिए तुम सब आज एक जगह इकट्ठा हुए, जहां से सब अपने अपने घर पहुंचे, राजू भी, मगर वहां से राजू गायब हो गया। रेखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से रंजीत तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? बोलो रेखा, बोलो, जवाब दो मुझे। राकेश, तुम्हारे प्यार की कसम, हमने कोई पाप नहीं किया है। फिलहाल तो मुझे जाने दो, जॉनी मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके साथ कहीं जाना है। मैं वादा करती हूँ राकेश, कल तक तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कल किसने देखा है बेटी? और जिस मुसीबत में तुम फंसी हुई हो उसके तो अगले पल का भी भरोसा नहीं। तुम्हारी तारीफ। मैं एक तांत्रिक हूं और इंसानियत के नाते अपना फर्ज अदा करने आया हूं। आपकी मंगेतर और उसके दोस्तों की जान खतरे में है। तो क्या तुम कातिल को जानते हो? जी हाँ, और यह भी जानता हूं कि दुनिया की कोई भी पुलिस उस कातिल को पकड़ नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि वो कातिल एक मुर्दा है जिसे आपकी मंगेतर और उसके साथियों ने अपनी जान बचाने के लिए मार डाला। नाम क्या उसका? रंजीत। तुम लोगों ने रंजीत का खून कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। राकेश, हम लोग कानून से डर गए थे। What nonsense? डर गए थे? एक बात मेरी समझ में नहीं आती, रंजीत का खून हो चुका है और तुम लोग रंजीत को ही कातिल बता रहे हो? हाँ राकेश, हम ही लोगों ने उसे मारकर उसकी लाश को डिग्गी में छिपा दिया था, तब से उसी की रूह कत्ल कर रही है। बेटी, अब भी वक्त है, तुम मुझे उसकी लाश तक पहुंचा दो, मैं उसका अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को शांत कर दूंगा। खून खराबा रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। अगर तुम अपनी और अपने दोस्तों की सलामती चाहती हो तो जल्दी चलो। चलिए बाबा, जल्दी चलिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मैं इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि कत्ल का मामला है, लाश को बरामद करने के लिए पुलिस का वहां होना जरूरी है। चलिए चलिए। घेर लो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। क्या चाहते हो? अपनी उस रात का हिसाब इंस्पेक्टर, जिसे तुमने बिना वजह हमें जेल में काटने के लिए मजबूर किया था। पहले एक रात तुमने हमें अपने पास रखा था, आज की रात हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। तुम्हारी इन धमकियों का जवाब देना मुझे आता है, मगर मैं अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता। बच्चों, हम लोगों का जाना बहुत जरूरी है, मासूम लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा, तो तुम दोनों जा सकते हो, मगर इसे यहां छोड़ जाओ। वैसे तो आज की रात इंस्पेक्टर हमने तुम्हारी धुलाई के लिए रखी थी, पर इस मक्खन को देखकर नियत खराब हो गई। हरामजादे, तेरी नियत के साथ साथ तेरा वक्त भी खराब आ गया है। जल्दी चलो,
वहाँ सब लोग तुम्हारा पुरानी हवेली में इंतजार कर रहे हैं। देखो बेटे, बजाय रेखा को ले जाने के तुम खुद पुरानी हवेली चले जाओ और वहाँ पे जाकर उन लोगों से कहो कि वे सब लोग अलग अलग हो जाए। ध्यान रहे, आज की रात वो लोग भूल से भी एक जगह पे इकट्ठे रहे, इसी में तुम सबकी भलाई है। चलो जल्दी करो, चलो आओ। अरे प्रोफेसर साहब, आप इस वक्त इस पुरानी हवेली में और वो भी अकेले? जिंदगी के मेले और अकेले, अकेले नहीं चेले दुकेले। मैं आऊं? आ जा। ओह हाय स्टूडेंट्स। मिस मल्होत्रा, आप यहाँ? देव, जॉनी, जूली, रेखा कहाँ है? रास्ते मुझे रेखा इंस्पेक्टर और वो तांत्रिक मिले थे। उस तांत्रिक का कहना है कि हमें किसी भी हालत में एक साथ रहने की बजाय फौरन अलग अलग हो जाना चाहिए और इस हवेली को इसी वक्त छोड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। देव, अभी तांत्रिक ने कहा है तो हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, ये ठीक कर रही है, इसी में हमारी मतलब ये कि तुम सबकी भलाई है, तुम लोग निकल जाओ, चले जाओ। आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे अरे, अब आवाज नहीं आ रही है। ये दरवाजा तो बंद हो गया, उस तरफ से चलते हैं। चलो मैं उधर जाता हूँ। बोले बोले, अरे नहीं नहीं, शोले नहीं है, कुछ और है, बेजाब है, बेजाब है, बेजाब है, बेजाब नहीं है। ओए ओए श्रीदेव, ओए ओए श्रीदेव। कहाँ है? अबे कौन है तू? रात को यहाँ क्या कर रहा है? जवाब नहीं देता? अबे हट। अच्छा, अरे ये तो वही जग्गू है जो उस दिन ऑपरेशन टेबल पर लंबा लंबा लेट गया था, आज भूत बन के खड़ा हो गया है। मुझको पता है। अरे ये ले। अरे हंसता है, जो हंसता है वो फंसता है। अच्छा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये ले लात, ले लात गई, आ गई। ये सर ले, ये सर गया, मर गया। मयूर, तुम ठीक हो?
मयूर। लेकिन ये शैतान अचानक गायब हो गया। इससे पहले कि दोबारा वापस आ जाए, हम लोगों को फौरन इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन इस हवेली से निकलेगी कैसे? यहाँ के सारे दरवाजे तो बंद है। चलो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो। Ha 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 ha
कहाँ हो तुम प्रभा? Julie! अरे मुझे कुछ नहीं हो सकता, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ। ओ जॉनी। ओम धरो साधुरस्वाद्रम रक्षमया महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वा रुक्मि वंदना अमृत्य और मुखीय मामृता पूर्वा द्वार ओम पूर्वा ओम पूर्वा स्वाद्र सौद्रोदयं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् ओम रोम ओम दुंसा भूर्वस्वात्रम निकम्मया महेश्वरनिम पुष्टिवर्धनम् ओम रोम ओम दुंसा भूर्वस्वात्रम निकम्मया महेश्वरनिम पुष्टिवर्धनम् रुवारुक्मि वंदनानि मृत्यो और मुक्षी मां मृदा भूर्वस्वा रोम दुंसा रोम ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति अब ये शैतान पूरी तरह खत्म हो चुका है, अब ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देव अमृत तुम सब ठीक तो हो ना? बाकी सब लोग कहाँ हैं? हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मयूर जानी और जूली को उस शैतान ने मार डाला। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। बेटी जन्म और मृत्यु मनुष्य के वश की बात नहीं है, होने को कौन टाल सकता है, लेकिन मां काली की कृपा से तुम लोग बच गए। चलो चलकर मां का आशीर्वाद लेते हैं। इस बार किसी का कत्ल नहीं हुआ, ये मिस मल्होत्रा की चीख थी। हाँ मैं छोटे से चूहे से डर गई थी। अरे छोटा सा चूहा, आओ चलें। तेरे कुत्ते का बटन बन के बेबी लग जाता मैं तेरे सीने से, तेरी सांसों की अगन से मैं जल जाता, यही आशा है बारह महीने।